start with the producers. Bhushan sir, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे सत्यमेव जयते, you know, ऐसा अपनी life में ये philosophy कितना अपनाते हैं? Because सच्चे मन से काम करते हैं और result की परवाह नहीं करते कुछ ऐसा? See, actually, whenever you are working, आपको सच्चे मन से ही काम करना चाहिए, तभी you will get the achievement which you are looking for. तो और ये title भी उसी चीज को मतलब बयान करता है कि it's a very true film. मतलब सत्यमेव जयते जिस तरीके से इसमें टाइटल, जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी थी तो दे हैड टाइटल इन माइंड, कुछ ऑप्शंस थे, लेकिन ये टाइटल वाज, व्हेन दे टोल्ड मी, तो मैंने कहा ये टाइटल इज एप्ट फॉर दिस फिल्म, एंड देन वी गॉट दिस टाइटल थैंक्स टू मिस्टर आमिर खान प्रोडक्शन फॉर गिविंग अस दिस टाइटल. सो इट्स बहुत मायने रखता है एक्चुअली ये टाइटल. निखिल सर, दिस वन्स फॉर यू, यू नो, कोलैबोरेटिंग पार्टनरिंग विद टी सीरीज वन मोर टाइम, और इतनी सारी स्पेक्युलेशन पहले से है, क्यूरियोसिटी है कि ये एक बार वापस से धमाका करेगी. व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस पार्टनरशिप? हेलो, या नो, आई जस्ट वांट टू से दैट आई मीन आई एम वेरी फॉर्चुनेट. आई हैव नोन भूषण जी एंड हिज फैमिली फॉर द लास्ट, आई मीन 2005 2006, व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन सलामेश टुगेदर. एंड दिस इज अ टफ फिल्म टू मेक, आई मीन प्राइमरीली बिकॉज it's Milap is there, I am there, and if for us to get the film off going, it was a little difficult, but I made one phone call to Mr. Bhushan Kumar, and I told him, sir, ye picture banani hai, and he said, okay, let's start. You know, so I owe Bhushan ji a lot. I owe Bhushan ji a lot for supporting ME Entertainment, for being the kind of person that he is, everything. I mean, the way when he decided to, that the music of this film needs to be this, the kind of music that you're seeing in the film, Dilbar. There we have a great song by Rochak called Paniosa. We have another superb song by called Tajdar Haram. Mm-hmm. I mean, he's done things which I didn't even know. Atif Asanga song, I didn't know Atif Asanga song till Bhushan ji sent me the track, and he said, Atif ne gana ga liya. I said, when did he sing? He said, maine karwa liya. You know, so even when Milap made us hear the script, John, myself, Manoj, all of us, it was out and out drama, right? It was an out and out drama, and Bhushan ji called me and said, "Yar, isme action dalna hi chahiye." And he just, I'm not going to tell everybody, but increase the budget and said, "Action dalo, isme action dal do." You know, so I'm very very glad that he's. And the result is for us to see, and humne bahut pasand kiya. Taaliyan ho jaye, yar, come on, one more time, ladies and gentlemen, for Satyamev Jayate. Coming to the director, the captain of the ship, sir, writing ki agar baat karein, jo dialogues aise dhansu wale lik dete ho. मैंने यही बात करी है लोगों से, कह रहे यार इसकी पर्सनालिटी से बड़े हट के होते हैं कई बार. सो हाउ डू यू मैनेज ऑल दैट, या ऑल दैट, ऐसा ये पंचेस आ रहे हैं और असली लिटरल पंचेस आ रहे हैं? वी आस्क हिम दिस क्वेश्चन एवरी डे वी आस्क हिम, यार ज्यादा हो गया यार, कम दैट 56 इंच का जिगरा, यू नो, उतनी सी गोली, एंड प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट द डायलॉग्स एंड ऑफ कोर्स द डायरेक्शन. वेल, टिल टुडे आज तक मेरे पास बाजी जीतने सिर्फ डायलॉग बाजी थी. ये इस बार निखिल, भूषण सर, जॉन, मनोज सर, आयशा, मोनिशा मैम, मधु मैम, एम ए ने मुझे मौका दिया कि डायलॉग बाजी के साथ थोड़ी एक्शन बाजी भी कर लूँ इस फिल्म में. और आई एम वॉन्ट टू थैंक फ्यू पीपल. मैं हमेशा कहता हूँ, जॉन और मनोज सर ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी चैरिटी फिलैंथ्रोफी कर ली है ये पिक्चर के लिए, आप बोल के उन्होंने मुझे मौका दिया, मेरी स्क्रिप्ट को मौका दिया, मेरी फिल्म में एक्टिंग करने के लिए राजी हुए. राजी से थैंक यू अमृता आल्सो, एंड आयशा, एंड भूषण सर, एंड एंटायर टी सीरीज फॉर सपोर्टिंग. बट निखिल अडवाणी, मोनिशा अडवाणी, मधु भोजवानी एंड द टीम ऑफ एम ए, दे आर माई फैमिली. इन द फर्स्ट पर्सन हू हर्ड दिस स्क्रिप्ट एवर वॉज मोनिशा अडवाणी, एंड मोनिशा अडवाणी विदाउट इवन आस्किंग हर ब्रदर सेड, मैं ये पिक्चर प्रोड्यूस कर रही हूँ. निखिल अभी तक ऐसे खड़ा है कि ये कि बहन का प्यार मतलब महंगा ना पड़ जाए. लेकिन सत्यमेव जयते इज बिकॉज, एंड ऑल्सो फ्यू पीपल लाइक मीनाक्षी हु इज जॉन्स मैनेजर, संयुक्ता चावला जो नीरजा और परमाणु की सुपर हिट राइटर है, उन्होंने बहुत साथ दिया. आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम. ही शेयरिंग द ब्लेम विद यू, संयुक्ता, बाय द वे. संयुक्ता, आफ्टर इज्जत की रोटी, दिस इज ईमानदारी का पराठा. ऑलराइट, दिस वन्स फॉर द एक्ट्रेसेस ओवर हियर, द गॉर्जियस लेडीज, यू नो, ऐसे स्टॉलवर्ट्स के साथ और ऐसे सुपर डुपर हिट स्टार्स के साथ जब अपनी जगह बनाना होता है, सो हाउ डिफिकल्ट इज दैट, अमृता एंड आयशा? ये साल मेरे लिए काफ़ी पेट्रियोटिक रहा है, राजी, उसके बाद सत्यमेव जयते. और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि
इन सभी लोगों के साथ काम करके बहुत मजा तो आया, लेकिन इट बिकम्स अ लाइफ एक्सपीरियंस, लर्निंग एंड अनलर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो फॉर मी इट वाज अ जॉय राइड. और जैसे कि मिलाप के बारे में मैं कहूँगी, वैसे आपको काफी सारे पंचेस दिख रहे हैं, लेकिन ही इज द मोस्ट स्वीटेस्ट हगेबल गाय दैट यू कैन एवर मीट, आई थिंक. दैट्स इट. ऐसा नहीं कि कहीं अचानक से उठे और धुजूम. नेवर नेवर. नहीं होता. आयशा, योर व्यूज ऑन द सेम. आई वुड लाइक टू से दैट इफ व्हेन यू हैव एक्टर्स लाइक मनोज सर एंड जॉन, दे मेक योर जॉब सो इजी. लाइक नॉट फॉर वन डे डिड आई फील जॉन इज प्रोबब्ली द इजीएस्ट एक्टर यू कैन वर्क विद. सेम विद मनोज सर. नॉट फॉर वन डे आई डोंट हैव दैट मेनी सीन्स विद मनोज सर. नॉट फॉर वन डे वाज आई मेड टू फील दैट इट्स माय फर्स्ट फिल्म. Or you're a newcomer, what are you doing here? And same with Milap, I think all three of them. Yeah. And like I said, I think the right team finds you. You can't plan it and do all of that. So I think I was really lucky to have the best team. Wow. My actors were the nicest that they can be to someone who was like, with John, I would always be like, John, where am I supposed to look? Aisha, there. Okay, great. Done, sorted. And it was just a breeze. So I had a great time making the film. And so I think then it becomes easy. You're not worried about whether you're going to leave a mark or not. And congratulations on this great debut. Yeah, we just saw you on the big screen. All right, Manoj sir and John, aap dono ke liye ek hi sawal hai. You guys go a long way. Aisa saath mein badi sari filmein kari hain. So what do you have to say? Ye chemistry tab se leke ab tak kitna change hui ya kitna kya? Thoda sa controversial sa kuch do. I'll just say one thing. That, you know, when you're sharing the screen with Manoj Bajpaayee, he's an institution. In acting, he's really... And his niceness is his humility. He's very easy, but I think he's, if not, then one of the greatest actors we have in Hindi cinema. Indeed. And I think he's absolutely fantastic. And just sharing screen time with him is very, very special. So, for people like me, it's like watching a film when you're watching Manoj Bajpaayee. That's a huge compliment, I would say. But you deserve every bit of it, Manoj sir. What do you have to say on your experience on this movie? अच्छा, मैं हिंदी में बोलूँगा नहीं तो काफ़ी लोग ट्रोल करेंगे कि बिहार का हो के हिंदी में बात नहीं करता है. बहुत ज़्यादा होता है मेरे साथ में ये. नहीं सर, पहली बात तो ये कि जॉन से शुरुआत करें तो जॉन के साथ आपने जाहिर सी बात है बड़ी सही बात की कि इसके पहले भी हम काम कर चुके हैं और वो अनुभव बहुत ही बढ़िया रहा था. जॉन अब्राहम के साथ में जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि एक लाइन है, सफलता अंत नहीं होता है और असफलता अंत नहीं होता है. तो ये मान करके, ये विचार रख के चलने वाले आदमी हैं, जो कि बड़े कम लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्राइडे टू फ्राइडे लोगों के विचार बदलते रहते हैं, फ्राइडे टू फ्राइडे एटीट्यूड चेंज होते रहते हैं, लेकिन जॉन अब्राहम वही रहता है. ये एक कमाल की बात है जॉन अब्राहम की. एंड दैट इज़ वाई हीज कम सो फार, एंड दैट इज़ वाई ही इज़ अचीव्ड वट एवर ही इज़ अचीव्ड टिल नाउ. सो एंड ऑल्सो, जब इस पूरी दुनिया में जहाँ पर नेपोटिज्म की बात हम लोग करते हैं, वहाँ एक आदमी है जो बाहर से बाहर बैठ करके पूरे अपना काम करता जा रहा है और लगातार सफल फिल्मों का हिस्सा होता जा रहा है. बट थैंक यू वेरी मच जॉन. मुझे हमेशा लगता है कि नाइसिटी और हार्डवर्क जो है कभी भी खाली नहीं जाती. इसका जीता जागता उदाहरण जॉन अब्राहम है. क्या बात है. और आयशा, वेलकम टू द वुड्स. ये डेब्यू कर रही हैं, इनकी शुरुआत है, तो आप जितने भी पत्रकार बंधु हैं, अगर आपकी तरफ से ताली होगी तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बड़ी डिफिकल्ट दुनिया है, आपको भी पता है. भूषण जी, आपको मैं बहुत बाद में जाना, लेकिन आपके पिताजी से आशीर्वाद हमें मिला है और मिलता रहा है पहले जब थे वो. भगवान उनकी आत्मा को शांति दे. और तब से जो है आप लोगों के साथ में संबंध रहा, आपके साथ में उतना नहीं रहा जितना कि किशन जी के साथ रहा आपके पिताजी के जाने के बाद. और इसके आप इस फिल्म में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आपका विश्वास, आपका सहयोग हमें मिला. निखिल को मैं 23 साल से जानता हूँ. 23 साल पहले ये सुधीर मिश्रा जी का असिस्टेंट हुआ करता था, तब से मैं काम मांग रहा था और अब 23 साल के बाद जाके काम दिया इसने मुझे. सो थैंक यू निखिल, थैंक यू वेरी मच. यू आर नॉट ओनली अ ग्रेट प्रोफेशनल बट ऑल्सो अ ग्रेट फ्रेंड, एंड आई ऑलवेज चेरिश द मेमरीज ऑफ दोज स्ट्रगलिंग डेज. अमृता खानविलकर, अभी ये इनसे मेरा अभी एसोसिएशन हुआ. इनके हस्बैंड जो हैं हमारे को प्रोड्यूसर हैं, मेरी अगली जो फिल्म आ रही है गली गुलियां, तो उस उनके द्वारा उनके जरिए जो है इनसे जान पहचान हुई. आई जस्ट सो हैपन दैट यू नो शी इज़ प्लेइंग माय वाइफ इन दिस फिल्म. जाहिर सी बात है कि इनके हस्बैंड बहुत खुश नहीं है इस बात को लेकर, बट इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और जानी मानी अदाकारा हैं मराठी फिल्मों की. अब
मिलाप जवेरी के बारे में सिर्फ इतना कहूँगा, शूट आउट वलाला में इन्होंने मेरे लिए डायलॉग्स लिखे थे बड़े अच्छे अच्छे, और जब भी मैं जाता हूँ बाहर में तो कुछ एक डायलॉग्स मुझे जो है कॉलेजेस वगैरह जाता हूँ तो मैं अपने पर्ची रखता हूँ हमेशा, क्योंकि मुझे अपने डायलॉग्स याद नहीं रहते हैं। तो राजनीति का डायलॉग्स रखता हूँ, गैंग्स ऑफ वासेपुर का डायलॉग रखता हूँ, सत्या के रखता हूँ, उसमें शूट आउट एट वडाला का डायलॉग तो ज़रूरी रखना पड़ता है मुझे, क्योंकि इनके डायलॉग की वजह से जो है मुझे कितनी बार जो है मेरी मतलब बदनामी हुई है कि मुझे डायलॉग याद नहीं है। वो डायलॉग था क्या, क्या डायलॉग था, मैं जॉन को ही बोलता हूँ, बादशाह की गली में आके उसका पता नहीं पूछते, गुलामों के झुके हुए सर खुद ब खुद रास्ता बता देते हैं। टोटल सिटी मार। मैंने इनको कहा था कि यार तुम क्या मतलब श्योर हो कि तुम मुझे चाहते हो, क्योंकि यार मैं इस तरह की फिल्मों के लिए जाना नहीं चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि नहीं भैया मुझे आप ही चाहिए, आपने शूट आउट वडाला में जिस तरह से बोला था मुझे आप ही चाहिए। बट थैंक यू मिलाप, थैंक यू वेरी मच। यू नो इन द स्पेस ऑफ मेन स्ट्रीम सिनेमा when I get these kind of films from Milap and Nikhil, I feel that I know I'm needed in this industry. Nito, I'm always walking on the fringe, you know, I'm not part of the so-called mainstream cinema. But whenever these kinds of offer come, I always feel welcomed. I feel that, you know, somewhere they are trying to make me part of it. So thank you very much, both of you. And John Abraham, it was again great working with you. Lots of laughter, lots of love. And thank you all, जो आप सब लोग यहाँ पे आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस तरह के इवेंट हमेशा होते रहते हैं, हर दिन होते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब इतनी बड़ी गैदरिंग आप सामने देखते हो तो सर आपके सामने हमेशा झुक जाता है। थैंक यू, थैंक यू मनोज सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड यस, वील टेक योर क्वेश्चंस, बट बिफोर दैट एक क्विक फोटो अप हो जाए, और उसके लिए आई लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज टू वेरी इंपॉर्टेंट पीपल। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेसिडेंट मार्केटिंग मीडिया एंड पब्लिशिंग मिस्टर विनोद भानुशाली फ्रॉम टी सीरीज लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड सीनियर वीपी फिल्म्स मिस्टर शिव चनाना, उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए, कम ऑन मेक सम नॉइस फॉर देम, या दे आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नाउ या वील हैव अ क्विक फोटो अप, और उसके बाद वील गो ऑन एंड वील लाइक टू कॉल अप ऑफ कोर्स मधु मनीषा। First of all, congratulations to you and the team. It's an action-packed trailer. So, looking after the action, can we say that you are India's official answer to Captain America? Especially with that scene when you are having that shield. The like, door. Yeah, door. No, I think, first of all, just taking you back a bit on the film, I think we've spoken enough about patriotism and corruption and everything. I think this is a unfiltered, hardcore commercial film. We're very clear, we've gone out to make a commercial film, we spoke about it, and this film has everything in it. It's a full plate. You can enjoy everything. And speaking about the Captain America part, that door was very heavy. Okay, Bhushan sir, aapse sawal hai. So, T-Series have ventured into many content-driven films and many awards. You have won many awards, including IFA. So, as a producer, do you feel more responsible? What's your take on that? See, obviously, you have to be responsible to your audience and you have to give them good cinema, which they can enjoy because they spend so much money on it. So, we always try to, you know, get the content right and mix it with great music to entertain the audience. And in this film also, we are doing the same. It's a good content, great content with action. Like John just said, it's a full plate, which has music, which has action, which has drama. So, we are very, very excited and positive about this film. John, here, this side only. How are you? Achha, meri chhati phool gayi thi jab aapne bola ki mar mar. Tell me something about that dialogue. It is very good for women, you know. Yeah, I think, see, when you're making a film, at the end of the day, your character has to be kafi relatable hona chahiye, even with women. Aur ye, I think, Milap ka on-the-spot dialogue tha. वहीं पे उसने वो, you want to just tell them John, actually, उस action scene, उस scene में जॉन ने मुझे कहा कि scene बहुत अच्छा है, लेकिन एक where he's, you know, saving this औरत की रक्षा कर रहे कि मुझे कुछ action के अलावा एक emotion चाहिए या एक अच्छी बात चाहिए, तो on the spot अगर जॉन ने मुझे नहीं कहा होता तो मैं कभी ये dialogue जो है कि आज के बाद दुनिया का कोई भी मर्द ये ताना नहीं मारेगा कि तूने चूड़ियाँ पहनी है क्या, ये कभी नहीं आता अगर जॉन ने मुझे यू नो इंस्पायर नहीं किया होता, तो इट्स एक्चुअली हिज इमोशन
which is I just managed to put it in dialogue and put it in the film. Ishita, your experience on this scene? Ishita, no? Aisha, sorry. Yeah, it's fantastic. I think whenever you see someone standing up for women, whether it's a woman on her own or a man for her, I think it always feels great. So I love that scene. It's one of my favorite scenes in the trailer, and that's what I told Milap. It's like, yeah, go for it. I liked it a lot. Hi, Manoj sir, aapke right mein Alok hai. Sir, jab aap wardi pehante hain, to us samay kya mehsoos karte hain aur kya feeling aati hai jab wardi dharan kar lete hain? Yaar, kya hai ki galat samay mein ye sawal pucha hai aapne. क्योंकि अभी जाहिर सी बात है कि जो लोग हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को 24 घंटे देख रहे हैं और उनकी वर्दी को पहनना जो है अपने आप में सौभाग्य की और गर्व की बात होती है. लेकिन मेरे लिए ये हिंदुस्तान में बड़ी बात होती है कि आपने उसमें भी पुलिस वाला किया था और इसमें भी पुलिस वाला किया था. वर्दी पहनने वाला जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि वो कहाँ से आता है, उसका वो किस फैमिली से है, उसका संस्कार क्या है, उसकी परवरिश क्या है, उसके वर्दी पहनने के पीछे क्या रीज़न है, उसके पीछे की जर्नी क्या है, ये मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है. उसके बाद फिर वर्दी और उसके उसकी ड्यूटी और उसके एटमॉस्फेयर, उस पर काम आदमी करता है. लेकिन जब कैरेक्टर आदमी बनाता है तो इन सब पहले व्यक्ति पे ज़्यादा फोकस करता है, वर्दी पे बाद में. जॉन सर, सच बोलना कितना आसान या मुश्किल होता है और कोई वाक्य अगर आप शेयर करना चाहें? सच बोलना बहुत मुश्किल होता है. Yeah, it's the toughest thing in the world. Or jitna bhi hum koshish kare, you know, we always fail at some point or the other. But I think it's also the most important thing. Kyunki jab bhi aap sach bolte ho, then I think a lot of load is taken off your chest. Nikhil sir, 15th August ko teen filmein aa rahi hain. To hum 15 August ko hi aane wale hain ya teenon producers aapas mein baat cheet karke kuch ek nishkarsh nikalna chahenge? We are coming on 15th August. बाकी मुझे पता नहीं. डेट अनाउंस की तो है, आई थिंक है ना. राइट, इट्स देयर. हाय मिलाप, हाय. हियर ऑन योर लेफ्ट. हाय. लाइक द अदर डे वी हैड दिस चैट ऑन लाइक गोल्ड इज आल्सो कमिंग ऑन द सेम डे एंड यू टोल्ड मी दैट्स दिस इज नॉट एग्जैक्टली अ पेट्रियोटिक फिल्म, सो कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन दिस सब्जेक्ट? नो, दिस इज अ फिल्म दैट इज एज जॉन सेड अ कमर्शियल फिल्म. देयर इज पेट्रियोटिज्म, देयर इज एक्शन, देयर इज ड्रामा, देयर इज म्यूजिक, देयर इज डायलॉग बाजी. I wish Gold the best also, and touch wood, may all how many of our films come on that day, may all the films do well, may all the films do great business and be appreciated by people. John, on your right. Yeah, hi. John, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा कि सबसे different look में हैं आप, तो ये आपका किसी फिल्मों का look है या? ये Raw के लिए है, Romeo अकबर Walter के लिए. तो एंड दूसरा सवाल ये जॉन कि जिस तरह की आप फिल्में कर रहे हैं बैक टू बैक, नो डाउट कि बहुत ही हिट हो रही हैं और लोगों को पसंद भी आ रही है. आपने परमाणु की एंड देन उसके बाद अब आप सत्यमेव जयते कर रहे हैं, करप्शन मिटेगा, इस तरह का मैसेज आप दे रहे हैं. लेकिन जो आपके दोस्त हैं अक्षय कुमार जी, वो भी इस तरह की फिल्में करते हैं, तो आपको लगता नहीं कि वो कुछ नाराज़ हो जाएंगे आपसे इस तरह की फिल्में सेम? साहब, आप जो है सच में आप ऐसे ही खड़े रहिएगा और जो 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 कहीं नहीं हो रहा है ना, वो यहीं पे घटना घटित करके ही जाइएगा. जो भी किसी के दिमाग में नहीं हो रहा होगा ना, वो सब कुछ मतलब बेचारे हो, क्यों फंसा रहे हो? अच्छा खासा मौसम है, अच्छा अवसर है. आई थिंक सी अक्षय इज अ फ्रेंड और आई विश हिम द बेस्ट. और आई थिंक एज अ प्रोड्यूसर, भूषण करेक्ट मी, निखिल करेक्ट मी, आई थिंक टू फिल्म्स कैन रिलीज ऑन द सेम डे. There are enough screens for two films to release. Dono bahut hi alag film hai, different genres, they can release on the same day. Bhushan ji, aapse janna chahunga, jaisa ki abhi baat bhi hui ki 50 million subscriber, jaisa ki hamare dost ne bataya ki 500 subscriber ke liye log taras jate hain aur aapne apne daddy ke baad jis tarah se ise continue rakha balki India mein number 1 par rakha, to worldwide jahan tak mera knowledge hai dusre number pe aapki aisi company hai jo ki 50 million subscriber hai, to kya take hota hai aapka is tarah ke? ये एक अच्छा कंटेंट जो हमारी टीम पूरी लगी रहती है अच्छा कंटेंट बनाने में, इट डिपेंड्स ऑन दैट. और जिस तरीके से हमारा चैनल मैनेज होता है और उसमें हम हर रोज़ इतना कंटेंट डालते हैं, इट्स हार्ड वर्क ऑफ द टीम अलोंग विद मी, जिन्होंने इतनी मेहनत करके इतने हम गाने खुद के भी बनाते हैं अक्रॉस ऑल लैंग्वेजेस. इट्स नॉट ओनली हिंदी और बॉलीवुड, इट्स नॉन फिल्म पंजाबी एंड तमिल, तेलुगु, एवरीथिंग वी गो ऑल अक्रॉस. And it's and the credit goes to my father who has given me such a great catalog
which plays the 60% of the part. Hi. The trailer looks amazing. Continuing to the previous question, जैसे आप एक particular genre की film कर रहे हैं, उसी तरह अक्षय भी करते जा रहे हैं. So can we say there's an internal, in a healthy competition between you and Akshay, being the sons of India, जिस तरह की आप films कर रहे हैं, अक्षय कर रहे हैं, internal healthy competition है दोनों के बीच में? I think I can speak for myself. I think I choose films depending on what I like in terms of scripts. So I enjoyed making Parmanu because I enjoyed that space a lot. I enjoy watching you know, commercial films, which is why I am doing this film with Bhushan, Milap, Nikhil, everybody. Uske baad I'm doing Raw, then I'm doing Batla House with Nikhil again, which is again a different space. So it depends on what you really enjoy doing at that point of time. So I think each actor is entitled to choose a certain script at a certain point of time. I think Akshay is doing a comedy after this, so it depends on what you want to choose at that point of time. Mera sawal John aur Manoj ji se hai. Video humne dekha, trailer dekha, desh prem ke bare mein hai, desh bhakti ke bare mein hai. Haal hi mein ek aur video release kiya gaya hai, Surgical Strike ka. Agar aap logon ne dekha ho, aap log us par kya kehna chahte hai ya wo video dekh, jis tarah is video ko dekhne ke baad hame bahut acha mehsoos hua, wo video dekhne ke baad aapke kya vichar hain? मैं टीवी नहीं देखता तो इसलिए मुझे हटा दीजिए. तो हम ये मानकर चले आपने सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो नहीं देखा. When was it just put on? Just so we probably will see it after yesterday. Okay, I'm sorry, then I've not seen it yet. I'll see it. चलिए एक और सवाल. Hi, Sandeep. One last question. Thank you. करप्शन की बात फिल्म में दिखाई जा रही है. आप दोनों से एक सवाल, क्या जिंदगी में कभी ऐसा मौका आया है कि कहीं रिश्वत देनी पड़ी हो या फिर कभी कोई ऐसी घटना घटी हो? So I think I come from, I mean, just tarike se my father has brought me up, it's very difficult for me, and I'm saying this on record, it's very difficult for me to get into any kind of bribery or any kind of this. Aur kafi mushkil hota hai hamare liye kyunki pitaji architect hai aur wahan pe, you know, just generally it's very difficult. Lekin unhone ek hi cheez kaha, because when I was in the 8th standard he went completely broke, we had no money. And he said, beta, jo bhi ho life mein na, don't cheat anybody and don't hurt anybody. So I think we follow that very sincerely, and I expect that as role models, you know, everybody should follow that and not get into. I mean, respect your country, most important. Hi John, bhaiya namaskar, Sandeep baat kar raha hu, on your right. Yeah, John, mera sawal ye hai, jaise Shivangi ne kaha ki सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो आया हुआ है, पिछली आपकी जो फिल्में हैं वो परमाणु थी, वो एक सच्ची घटना से प्रेरित थी, साथ ही मनोज सर आपकी जो फिल्म थी अय्यारी, उसमें आपने फौजी का किरदार किया हुआ है. सवाल ये मन में आता है कि जो पेट्रियोटिज्म वाला फ्लेवर है वो बॉलीवुड में काफ़ी कुछ दिनों से छाया हुआ है, सर्जिकल स्ट्राइक का कल वीडियो रिलीज़ हो चुका है, तो क्या हम जॉन अब्राहम प्रोडक्शन से या क्या हम मनोज सर से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में अगर ऐसी फिल्में बनी तो जॉन अब्राहम उसमें काम करना चाहेंगे या उसमें एक्ट करना चाहेंगे, मनोज जी भी एक्ट करना चाहेंगे या नहीं? देखिए, कोई घटना जो है वो एक अलग विषय है, लेकिन जब फिल्म करने की बारी आती है तो स्क्रिप्ट जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वैसे तो किसी भी घटना पे लोग कई तरीके की स्क्रिप्टें लिखी जाती हैं, लेकिन बहुत ही कम स्क्रिप्ट होती हैं जो आपका ध्यान आकर्षित करती हैं या आप वो इतनी ज़्यादा दमदार होती हैं कि आदमी उसको करने पे मजबूर हो जाए. तो कोई भी स्क्रिप्ट हो, अगर वो बहुत ज़्यादा दमदार है और घटना को और भी एनहांस कर रही है तो ज़रूर आदमी करना चाहेगा. हम तो एक्टिंग करने के लिए यहीं पे आए हैं, अच्छी कहानी हो, अच्छी स्क्रिप्ट हो, ज़रूर करेंगे. Cool. Thank you so much, ladies and gentlemen. Yeah, we got to wrap up, and it's time for a quick photo op one more time with the cast. Yeah, with the star cast. Thank you.